वेलकम बैक टू बैक टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा फिर से आज एक टॉपिक है वेट लॉस का। और फ्रेंड्स, ये जो मैं वेट लॉस की रेसिपी लेके आई हूँ, आप इसे वन वीक तक अपने लंच में शामिल करिए। फ्रेंड्स, ये फुल ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, यानी कि आप जितना भी खाना बहुत अलग अलग वैरायटी से लेके अपनी जो बॉडी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ये ऑल इन वन फूड है और इसे बनाने में भी बहुत आसानी है। और फ्रेंड, बहुत से लोग शिकायत करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम जो वेट लॉस का खाना खाते हैं वो टेस्टी नहीं होता है, इसलिए हम वेट लॉस के प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हैं। या फिर हम एक या दो दिन फॉलो करते हैं वेट लॉस की जर्नी को, उसके बाद फिर मैं अपना कंटिन्यू खाना खाने लगता हूँ या लगती हूँ। तो उसी का मैं आज एक सोल्यूशन आपको दे रही हूँ कि आप इसे ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी है और आप इसमें बहुत सारी वेजीज काट के डाल सकते हैं, यानी कि जैसा आपका फ्लेवर हो आप उसे वैसा बना सकते हैं। और आप खाइए, ट्राई करिए इस रेसिपी को। और इस जो रेसिपी है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको खा के आपके बॉडी में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं आएगी। यानी कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब उनका वेट लॉस हो रहा होता है तो उनके फेस पे काफी वीकनेस आ जाती है, उनके फेस से काफी कमजोरी पता चलने लगती है, उनकी आईज के पास काफी ब्लैकनेस आ जाती है, जिससे कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इस जो आपका लंच रूटीन है इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप वेट लॉस के प्रोसेस में भी रहेंगे और आपकी स्किन में भी एक शाइनिंग रहेगी। और मैं बहुत ही जल्दी अपना वेट लॉस फुल रूटीन डालने वाली हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ करंट में, जिससे कि मेरा वेट काफी तेजी से लॉस हो रहा है। और फ्रेंड्स, वेट लॉस करना बहुत ही आसान है, यानी कि आपने दो तीन चार दिन या वन वीक तक बहुत ही जल्दी अपना वेट लॉस कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, वेट को स्टिक करना यानी कि वेट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर लेते हैं बॉडी बहुत तेजी से वेट लॉस करती है, लेकिन जब आप नॉर्मल फूड पे आते हैं यानी कि जब आप जो पहले खा रहे होते खाते, तो वेट गेन भी उससे दूसरी तरह से होता है। यानी अगर आपका पहले 60 होगा तो वो जाके 65 तक हो सकता है। इसीलिए हमेशा हेल्दियर वे में अपने वेट को लॉस करिए, जिससे कि आपके जो स्किन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका वेट जो है वो मेंटेन बना रहे, बहुत ही जल्दी ना बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक प्याज कटा हुआ चाहिए और एक टमाटर चाहिए आपको कटा हुआ, हरी मिर्च चाहिए जैसा आपका टेस्ट हो, आप तीखा खाते हो कम तीखा खाते हो तो आप हरी मिर्च उसके अकॉर्डिंग लीजिए। तो ये यहाँ पे आपको क्वैनो लेना है, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक इंडिया का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्लूटेन फ्री होता है, कम्प्लीट प्रोटीन होता है और ईजी टू प्रिपेयर होता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे लगभग आपको एक बाउल क्वैनो लेना है, ये मैं दो लोगों के लिए ले रही हूँ। अगर आपको सिर्फ एक लोगों के लिए लेना है तो आप हाफ बाउल लीजिए। तो मैं आपको क्वांटिटी एग्जैक्ट बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, क्वैनो में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्वैनो को जितना हो सके अपनी डाइट में शामिल करिए। फ्रेंड्स, क्वैनो में फाइबर पाए जाने के कारण यह शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। और फ्रेंड्स, क्वैनो में पाए जाने वाले पोषक तत्व टाइप 2 डायबिटिक के खतरे को भी कम करता है। तो ये यहाँ पे जो मेरा पॉट है पूरी तरह से सूख गया है, इसमें जो भी पानी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वैनो को बनाने के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और आप भी हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज़ करिए या फिर नारियल का तेल यूज़ करिए, नॉर्मल कोई भी तेल मत यूज़ करिए, ये दोनों ही आपके वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट में मैंने क्वैनो लिया है, सॉरी जैतून का तेल लिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डालूंगी, और जब जीरा तड़क जाएगा तब उसमें मैं ग्रीन चिली डालूंगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है उनके लिए क्वैनो खाना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि क्वैनो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो जितना हो सके क्वैनो को अपनी डाइट में शामिल करिए। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पेट में सूजन है या कब्ज के कारण आपका पेट फूल रहा है तो क्वैनो का सेवन करें। इसके सेवन से पेट की सूजन, कब्ज और पेट का फूलना, ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे।
और इसके बाद अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज को तब तक फ्राई करूंगी जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज को बहुत अच्छे से भून लीजिए। फ्रेंड्स, दूसरे अनाजों की तरह भी यह भी एक अनाज है। क्विनोआ एक नॉर्थ इंडियन अनाज है, यहाँ पे आपको ईजिली नहीं मिलेगा, यानी किसी भी शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको यह नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें टमाटर डालूंगी। ये आपको किसी बड़ी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें लगभग हाफ टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर डालूंगी, हाफ टेबल स्पून इसमें मैं कोरिएंडर पाउडर डालूंगी और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी और इसमें मैं रॉक सॉल्ट डालूंगी। और अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है, इसलिए मैं इसको ढक के सारे मसालों को पकाऊंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि ये एक नॉन इंडियन ब्रांड है, लेकिन इसके गुणों को देखते हुए भारत में ये बहुत ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्विनोआ में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सलाद के रूप में क्विनोआ के पत्तों को भी खाया जाता है। वैसे तो एक समान अनाज है, लेकिन इसका रंग, इसका जो कलर होता है वो समान अनाज की तरह नहीं होता। क्विनोआ सफ़ेद, लाल, काले जैसे अनेक रंगों में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्विनोआ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी है, आप इजीली इसको खा सकते हैं, वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करेगा आपको, आप इसे अपने लंच में शामिल करिए। और फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारे फेस पे उतनी शाइन नहीं रह जाती, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो ये एक कम्प्लीट डाइट है, आप इसे फॉलो करिए, आपके फेस पे कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, आप हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करेंगे और आपके फेस का जो भी ग्लो है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे मैं सारे मसालों को ढक के अच्छे से पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यानी कि मसालों ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, तो इट मींस कि मसाले पक गए हैं। तो इसके बाद अब मैं इसमें क्विनोआ डालूंगी। और फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक जैसे आप तहरी बनाते हो, या फिर आप इसे एज अ राइस भी खा सकते हो, यानी कि दाल के साथ आप इसे शामिल करिए, अपने राइस को हटा के इसे आप शामिल करिए। आप इसे रात में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे तहरी की तरह बना के भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसमें बहुत सारी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास कोई भी वेजीज नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है, वरना मैं इसे मोस्टली खूब सारी वेजीज डाल के बना के खाती हूँ। तो आप इसमें बहुत सारी वेजीज खा सकते हैं, आप इसमें गाजर डाल के खा सकते हैं, शिमला मिर्च डाल के खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। और ये डाइट जो है, ये जो रेसिपी है, ये थायराइड पेशेंट आराम से ले सकता है, मैं खुद थायराइड पेशेंट हूँ, ये डायबिटिक वाले इजी होके ले सकते हैं, यानी कि अगर उनको राइस बना है तो वो राइस की जगह ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग टू, जितना मैंने वन बाउल क्विनोआ लिया था, उसका टू यानी कि उसका डबल आपको पानी लेना है और इसे अच्छे से पकाना है। आप इसे कुकर में भी पका सकते हो, कुकर में आपको दो सीटी लगानी है और ये अच्छे से पक जाएगा।
फ्रेंड्स आपको इसको बीच बीच में चलाते रहिए, जिससे कि सारे मसाले या कुछ भी नीचे ना लगे। तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए लगभग बनके तैयार है, यानी कि इसका सारा पानी सूख चुका है। अब आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव ऐड करिए और ये थोड़ी देर के लिए ढक के ऐसे ही रख दीजिए, ताकि जो भी कोरिएंडर की फ्रेश स्मेल है वो इसमें काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो एक मिनट तक इसे ऐसे ही ढकने के बाद अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो आप गर्मा गर्म सर्व करिए, खाइए, और इसका जैसा भी टेस्ट हो, जो भी बेनिफिट हो, आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गाइज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि जैसा आपका टेस्ट हो आप इसमें उस अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं, सब्जियां ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये आप पे है कि आप कैसे इसे बनाना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर है। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एज अ राइस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि दाल के साथ आप चावल को स्किप करके इसे ऐड करिए, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। आप तहरी की तरह इसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स वेट लॉस करिए, हेल्दियर वे में वेट लॉस करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो जो लोग भी इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उन्हें मेरे वीडियो जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।